नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस फॉर एसएससी में। आज 12 जुलाई 2018 है। चलिए दिन की शुरुआत करंट अफेयर के साथ करते हैं। आज के करंट अफेयर की पहला टॉपिक है विश्व जनसंख्या दिवस 2018। विश्व जनसंख्या दिवस 2018, ठीक है। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो वैश्विक आबादी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। यह कार्यक्रम 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 2018 का विषय क्या है। परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है। परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ने दुनिया के सबसे नवाचार वाले देशों में भारत को 57वां स्थान दिया है, 57th प्लेस दिया है इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII ने, ठीक है। भारत ने पिछले साल 60वें स्थान से अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, ठीक है। रैंकिंग में तीन पायदान का सुधार किया है। भारत 2015 में 81वें स्थान पर रहा था, तब से भारत तेजी से सुधार कर रहा है। स्विट्जरलैंड लगातार 8वें सीधे साल रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, ठीक है। 8 सालों से शीर्ष रैंकिंग पर बना हुआ है स्विट्जरलैंड। तीसरा टॉपिक क्या है, श्री वेंकैया नायडू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यसभा के पहले सभापति बन गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है क्योंकि ये पहला से संबंधित है, ठीक है। अस्तित्व में आने से 76 वर्षों में पहली बार राज्यसभा ने अंतः सदस्यीय संवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी विदेशी राज्यसभा के साथ समझौता ज्ञापन या MOU पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। किसी विदेशी राज्यसभा के साथ, ठीक है। देखिए, वेंकैया नायडू ने रवांडा गणराज्य के सीनेट के आगंतुक अध्यक्ष श्री बर्नार्ड मकूजा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो ऐसा करने वाले राज्यसभा के पहले सभापति बन गए। तो इसमें रवांडा देश गणराज्य, याद रखे रवांडा गणराज्य, और किसके अध्यक्ष, सीनेट के आगंतुक अध्यक्ष श्री बर्नार्ड मकूजा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। सहयोग के 6 विषय वाले इस MOU में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों एवं मित्रता को और आगे बढ़ाने के लिए अंतर्संसदीय संवाद, संसदीय कर्मचारियों के क्षमता निर्माण, सम्मेलनों के आयोजन, फोरम, संगोष्ठियां, कर्मचारी संयोजन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं विनिमयों, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुस्तरीय संसदीय निकायों में आपसी हितों में सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा जताई है। चौथा देखिए, खानों और खनिजों पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन। खानों और खनिजों पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 13 जुलाई 2018 को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उन ब्लॉकों से संभावित निवेशकों को पूरी तरह अवगत कराया जाएगा जिनकी नीलामी राज्यों द्वारा वित्त वर्ष 18-19 में की जाएगी, ठीक है। इंदौर, याद रखें इंदौर। केंद्रीय खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह सम्मेलन खनिज नीलामी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाएगा और इसके साथ ही नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने एवं हितधारकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पांचवा क्या है, कारोबार में सुगमता के मामले में राज्यों की अंतिम रैंकिंग जारी की गई है। देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने
नई दिल्ली में कारोबार में सुगमता के मामले में राज्यों की अंतिम रैंकिंग जारी की है। इस मामले में शीर्ष पायदान पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं हरियाणा है। झारखंड और गुजरात ने इस मामले में क्रमशः चौथी और पांचवी रैंकिंग हासिल की है। शीर्ष पायदान पर कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उसके बाद झारखंड और गुजरात। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DIPP ने विश्व बैंक के सहयोग से कारोबार सुधार कार्य योजना BRAP कारोबार सुधार कार्य योजना के तहत समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वार्षिक सुधार सर्वे किया है। इस सर्वे का उद्देश्य दक्ष, प्रभावकारी एवं पारदर्शी ढंग से केंद्र सरकार के विभिन्न नियामकीय कार्यकलापों एवं सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर करना है। राजस्थान कारोबार में सुगमता के मामले में एक स्थान की गिरावट के साथ 9वें स्थान पर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक टू क्लासिकल प्लेस फ्रॉम इंडिया का विमोचन किया। ठीक है, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि थिएटर को पुनर्जीवित करने तथा इसे शिक्षा एवं मनोरंजन का एक प्रमुख रूप बनाए जाने की जरूरत है। सुविख्यात नाटककार श्री DP सिन्हा द्वारा लिखे गए हिंदी नाटकों का अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक टू क्लासिकल प्लेस फ्रॉम इंडिया का विमोचन करने के बाद उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। ठीक है, लता धन लक्ष्मी बैंक लिमिटेड प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त। लता धन लक्ष्मी बैंक लिमिटेड की प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त हुए हैं। ठीक है, देखिए धन लक्ष्मी बैंक लिमिटेड ने टी लता को प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया है। उन्होंने श्री राम से पदभार संभाला है। जो 1 जुलाई 2018 को अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद कार्यालय से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी नियुक्ति 2 जुलाई 2018 से 3 साल की अवधि के लिए होगी। ठीक है, खानों और खनिजों से संबंधित चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 13 जुलाई 2018 को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उन ब्लॉकों से संभावित निवेशकों को पूरी तरह अवगत कराया जाएगा जिनकी नीलामी राज्यों द्वारा वित्त वर्ष 18-19 में की जाएगी। दोस्तों ये फिर से रिपीट हो गया है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने राजस्थान सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, क्यों किया चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने राजस्थान सरकार के साथ एक वर्ष में 9,500 कॉलेज छात्रों को मुफ्त डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राज्य में कॉलेज के छात्रों के डिजिटल लर्निंग और क्षमता निर्माण में वृद्धि के लिए पहल की गई है। कुछ महीने पहले राज्य ने कौशल विकास पर लगभग 2 दर्जन पाठ्यक्रमों के लिए इग्नू के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं।